चतरा में हेमंत सरकार पर भाजपाई बोलेंगे हल्ला, कांग्रेसी भारत जोड़ो को ले करेंगे पदयात्रा। झारखंड के चतरा शहर की सड़कों पर गुरुवार को भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुजूम देखने को मिलेगी। भाजपा हेमंत सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाल रही है, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी। दो प्रमुख दलों के आयोजन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। रूट एवं टाइमिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों दलों के नेता एक साथ सड़क पर आमने सामने होंगे। टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन दोनों दलों के अध्यक्षों के साथ वार्ता की है और विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध भाजपा की आहूत रैली में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम एवं प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। डीसी ऑफिस घेराव से पूर्व भाजपा के नेता और कार्यकर्ता चतरा डोभी मुख्य पथ पर स्थित मुख्य डाकघर के पास एकत्रित होंगे। पूर्वाहन के 11 बजे मुख्य डाकघर के समीप से रैली की शक्ल में भाजपा वहां से निकलेंगे। अव्वल मोहल्ला, गुदरी बाजार, केसरी चौक, गौरक्षणी रोड, जतराही बाग होते हुए डीसी ऑफिस पहुंचेंगे। तत्पश्चात डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि डीसी ऑफिस घेराव के क्रम में दोनों सांसदों, विधायकों व पूर्व विधायकों तथा पार्टी के नेताओं का संबोधन होगा। उसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस की पद यात्रा पूर्वाह्न 11 बजे स्थानीय सर्किट हाउस से प्रारंभ होगी। यात्रा में कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक सुबोध कांत सहाय, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि बादल पत्रलेख, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, विधायक ममता देवी एवं अम्बा प्रसाद आदि को उपस्थित रहने की संभावना है।